आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षे आईवीएफ सेंटर वापी से। तो दोस्तों, हमने पिछली बार डिस्कस किए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मदर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड वाइल प्रेगनेंसी इफ द मदर इज डायबिटिक। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि डायबिटीज में फुल टर्म तक प्रेगनेंसी ले जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि फुल टर्म यानी हम लोग 40 वीक्स काउंट करते हैं और 37 कंप्लीट वीक हो जाए तो वो बच्चा फुल टर्म गिना जाता है। इन द केस ऑफ डायबिटीज वैसे देखने जाए तो अगर डायबिटीज कंट्रोल में है तो प्रेगनेंसी का जो मतलब डिलीवरी एंड मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है जैसे नॉर्मल पेशेंट का रहता है। पर अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार मदर को प्रेशर बढ़ता है या एक्सेसिव वेट गेन की वजह से मदर को डिस्कम्फर्ट बढ़ता है या फिर बच्चे के आसपास बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसको जो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बच्चे का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया हो, तो ये सब केसेस में हमें शायद कभी कभी जल्दी बच्चा ले लेना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। अदरवाइज फुल टर्म पे बेबी डिलीवर कर सकते हैं। और अगर ये बच्चों को अगर जल्दी हम लोग डिलीवर कराते हैं तो एक्चुअली उनका वजन ज़्यादा होता है तो पेशेंट्स को कई बार फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग रहता है कि बच्चे का तो 3 किलो वजन हो गया है मैडम, प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। पर डायबिटिक मदर के जो बच्चे रहते हैं उनका लंग का डेवलपमेंट होता है, लंग में जो कैपेसिटी होती है सांस लेने की वो थोड़ी लेट मैच्योरिटी आती है। तो इनफैक्ट अगर डायबिटिक पेशेंट का प्री टर्म डिलीवरी हो तो बच्चे को फिर सांस की दिक्कत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके बारे में हमें मैनेजमेंट फिर उसी तरीके से करना पड़ता है। तो ये था हमारा जवाब एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी रखनी है तो डायबिटीज़ में हम लोग कंसीव कर सकते हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।